स्थिति अभी हॉस्पिटल का है, IGMS और एम्स की, जो सरकार कहती है कि हर एक प्रकार की व्यवस्था की गई है, बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन युवक पर्स पर लेटकर इलाज के लिए त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, सत्ताधारियों पार्टी से। आपको, आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार के जितने भी हॉस्पिटल की कमियां हैं उजागर हो रही है, और हर जगह इनके पास बेड नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, कोरोना पेशेंट के दिन पर दिन मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है। बिहार के IGMS में, NMCH में, एम्स में, हर जगह कोरोना पेशेंट बाहर रोड के ऊपर फुटपाथ पर छटपटा करके अपनी जान दे रहे हैं। नहीं इनके पास बेड है, नहीं इनके पास ऑक्सीजन है। ये जहाँ जहाँ NDA गठबंधन की सरकार पूरे देश में है, वहाँ पर ये विफल है। हमने देखे हैं, UP में भी देख लीजिए क्या हाल है, बिहार से भी बदतर हाल UP में है। जिस तरह देखिए, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस गठबंधन का सरकार है, आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, वहाँ पर किस तरह सुधार हो रहा है। केरल में देख लीजिए, NDA की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर एकदम बिल्कुल विफल है, और नीतीश जी तो एकदम ख़त्म है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पीछे है, कहीं भी इनकी व्यवस्थाएँ जो जनता के प्रति है, मरीजों के प्रति है, बिल्कुल जीरो है। इन्होंने सिर्फ बांध घोटाला का पैसा घोटाला कर रहे हैं, स्वास्थ्य की घोटाला कर रहे हैं। जितने भी कोरोना पेशेंट के रहने की व्यवस्था की गई थी पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसकी अगर जांच हो तो बहुत बहुत उच्च पदाधिकारी भी इस लपेटे में आएंगे। मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि इसकी जाँच करवाएँ जल्द से जल्द। देखिए, पालीगंज विधानसभा के खीरी मोड़ जो क्वारंटाइन सेंटर जो बना था, इससे बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। मेरे को इस चीज़ की बाखूबी जानकारी है, और इसका डिटेल भी कुछ दिनों में मैं आपको दूंगा। मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूं कि अगर इनसे बिहार नहीं संभल रहा है तो ये इस्तीफा दे और राष्ट्रपति शासन लागू करे। राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूँगा कि राष्ट्रपति शासन बिहार में तत्काल लागू करें, क्योंकि नीतीश जी से संभलने वाला बिहार नहीं है। जब वीडियो वायरल होता है तो नीतीश सरकार अपने मंत्री और अपने कर्मचारियों पर, जो स्वास्थ्य विभाग की मंगल पांडे जी हैं, वो दौरा करते हैं, और डॉक्टर की लापरवाही का उजागर कहा जाता है कि जो नेक्स्ट टाइम हुआ वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसा ही वीडियो फिर मिल रही है, मात्र 2-3 दिन हुए हैं कि मंगल पांडे जी IGMS में देख रेख किए हैं और एम्स में आकर व्यवस्था को देख रेख किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही बेहतर है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपने देखा भी होगा कि जनता किस तरह मंगल पांडे जी को विरोध किया, काला झंडा दिखा करके पूरा वहाँ पर पेशेंट के जितना परिजन थे पूरा विरोध में नारा भी दिए, काला झंडा भी दिखाए। अगर ये अच्छे ही काम व्यवस्था करते तो विरोध क्यों करते? इससे जाहिर होता है कि स्थिति बिल्कुल कुछ सुधार नहीं है। दिन पर दिन स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होते जा रही है बिहार में। इनको अब कोई दूसरा चारा नहीं है, इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए, चाहे मंगल पांडे जी हैं चाहे नीतीश कुमार जी हैं। मैं तो कहता हूँ कि बिहार के मंत्रिमंडल ही भंग कर देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए बिहार में। मैं इसका एकदम नीतीश सरकार जी के विरोध करता हूँ, क्योंकि जनता के प्रति ये खड़े नहीं उतरे, जनता के साथ में धोखेबाजी की है।